उड़ीसा से गांजे की खेप लेकर शिवपुरी पहुंचे दो तस्करों को कोलारस पुलिस ने जब्त किया। 34 लाख का गांजा। शिवपुरी जिले के कोलारस थाना पुलिस ने शनिवार को गांजे की बड़ी खेप पकड़ने में सफलता की है हासिल। पुलिस ने दो गांजा तस्करों से चार सूटकेसों में भरा 34 किलो गांजा बरामद किया है। पकड़े गए गांजे की कुल कीमत 34 लाख रुपए आंकी गई है। कोलारस थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह मावई ने बताया कि पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि दो लोग उड़ीसा से गांजा लाकर शिवपुरी में बेचने की फिराक में है। उक्त सूचना पर पुलिस टीम ने गुना बाईपास के पास लाल होटल के पास दो लोग से चार सूटकेसों में भरा 34 लाख रुपए का गांजा बरामद किया गया है। पुलिस की पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों ने अपना नाम रवि गोस्वामी पुत्र कंचन गोस्वामी उम्र 38 वर्षीय निवासी शिवपुरी, गोलू कुशवाहा पुत्र सूरज कुशवाहा उम्र 24 वर्षीय ने बताया है कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। इनकी रही सराहनीय भूमिका। इस कार्यवाही में कोलारस थाना प्रभारी जितेंद्र मावई, SI अंकित उपाध्याय, प्रयार भूपेंद्र तोमर आदि कई लोग मौजूद रहे।